जिस उत्तराखंड का सपना हम सभी के श्रद्धेय रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, वो सपना अब साकार होता दिख रहा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार पंजाब से आए, देश के अलग अलग हिस्सों से आए भाई बहनों ने यहां के लोगों के साथ मिलकर काम किया है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। ऐसे ही एकजुट होकर हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं, अपने देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मेरे सामने हर उम्र के लोग मुझे नजर आ रहे हैं। जो पुराने साथी हैं उन्होंने तो उत्तराखंड के तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, हर सरकार के कामकाज के तरीके देखे हैं। आपने 2014 से पहले की केंद्र की सरकार, 2017 से पहले की उत्तराखंड की सरकार के काम को भी भलीभांति देखा है। बीजेपी और कांग्रेस के संस्कारों में, इन संस्कारों से भी आप भलीभांति परिचित है। साथियों, वो स्थिति याद कीजिए जब यहां के हाईवे बेहाल थे, शहरों की सड़कें गड्ढे वाली थे, जाम से बंद रहती थी, गांव वालों के भाग्य में तो मीलों का पैदल सफर यही उनके नसीब में लिखा था। सड़कों के अभाव में खेती और बागवानी की स्थिति दयनीय थी, इसी कारण से पलायन उत्तराखंड की सबसे कड़वी सच्चाई, इसको कोई नकार नहीं सकता है। याद करिए, घोटालों की वजह से उत्तराखंड की पहचान क्या हो गई थी। कभी राहत के नाम पर घोटाला, कभी आबकारी घोटाला, कभी खनन घोटाला। कांग्रेस के कल्चर ने उत्तराखंड को तबाह कर दिया था। भाइयों और बहनों, आज जब नई आशा और नई उम्मीद की तरफ उत्तराखंड बढ़ चला है, तब मुझे ये बताइए कि यहां के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किसने किया था? यहां के नौजवानों को पलायन होने के लिए मजबूर किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? घोटाले किसने किए थे? बर्बादी कौन लाया था? 7 दशक तक भी उत्तराखंड के अधिकतर गांवों को सड़कों से वंचित रखने वाले कौन थे? जिस कांग्रेस ने आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की, क्या ऐसी कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? ऐसी कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? ऐसे झूठे लोगों को, वादा खिलाफी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे क्या? 11 अप्रैल को बटन दबा करके सजा देंगे क्या?